भाइयों बहनों, आपने सुना होगा 2014 के मेरे चुनाव की सभाओं में मैंने कहा था हेलीकॉप्टर कांड हुआ था कि नहीं हुआ था, हजारों करोड़ का घपला हुआ था कि नहीं हुआ था, देश में वीवीआईपी हेलीकॉप्टर और वो चिट्ठी तो मालूम होगी, मैडम सोनिया जी की चिट्ठी है, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर। भाइयों बहनों, हम लगे सरकार में आने के बाद सारी फाइलें कागजें पता नहीं कहां कहां लगा दिया था, ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, और उसमें से एक राजदार हाथ लग गया। ये दलाली का काम करता था, हिंदुस्तान के ये नामदारों के यार दोस्तों को वो कटकी देता था, कटकी देता था, उनका ख्याल रखता था। भागा हुआ था, इंग्लैंड का नागरिक था, दुबई में रहता था, शस्त्रों का सौदागर था, हेलीकॉप्टर बेचने खरीदने में दलाली का काम करता था, राजनेताओं को सेवा शुश्रूषा दुबई में करने का काम करता था। भाइयों बहनों, आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा भारत सरकार कल दुबई से उसको उठा करके ले आई है। अब ये राजदार राज खोलेगा, पता नहीं बात कब तक पहुंचेगी, कितनी दूर तक पहुंचेगी। अब मुझे बताइए, एक चाय वाला ये सब कैसे कर पा रहा है भाई? ये भ्रष्टाचारियों को जमानत पे क्यों निकलना पड़ा? ये भ्रष्टाचारियों के बेटे को जेल में कैसे जाना पड़ा? ये भ्रष्टाचारी हेलीकॉप्टर के कांड वाले राजदार को उठा करके कैसे लाए? भाइयों बहनों, ये काम किसने किया? ये काम किसने किया? ये काम किसने किया? ये भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाने का काम किसने किया? एक एक भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का काम किसने किया? मोदी ने नहीं किया, ये आप गलती कर रहे हो, ये काम आपने किया है। आपके एक वोट ने किया है, ये आपके वोट की ताकत है कि आपने मोदी को वोट दिया और एक गरीब मां का बेटा चाय वाला इन सल्तनत के सामने खड़ा हो पाया, ये आपके वोट की ताकत है, ये आपके वोट की ताकत है।